हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी विदार्ची। में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ओजोन आयुर्वेदिक्स के स्किन केयर के बारे में। सो, जैसा कि आपको टाइटल से पढ़कर पता ही चल चुका है कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। सो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं आज के प्रोडक्ट की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके पास एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना सो दैट व्हेनेवर आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो यू गाइस विल बी नोटिफाइड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है ओजोन D10 फेस वॉश। सो दिस इज़ द फेस वॉश। देन आई हैव ओजोन D10 फेस स्क्रब। देन आई हैव ओजोन D10 फेस पैक। सो इनके पास आपको काफ़ी सारे स्किन केयर रेंजेस मिल जाते हैं लाइक D10 फेशियल क्लिनजर, देयर वाइट फेशियल किट रेंजेस एंड देयर दिस टाइप ऑफ फेशियल किट। गाइस, लगातार सन के एक्सपोजर की वजह से हमारे स्किन में डलनेस एंड पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, बट जब तक हम इस चीज़ को समझ पाते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। मतलब हम अर्ली एजेस में, लाइक मैंने तो बिल्कुल भी बहुत जल्दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू नहीं किए हैं। धीरे धीरे सन के एक्सपोजर की वजह से हमारे स्किन में डलनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी स्किन में जो है टायर्ड होनी शुरू हो जाती है। तो स्किन को रिवाइव करने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ता है जो कि हमारे स्किन की जो है ऊपर अपर लेयर्स को जो है अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन करे। इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ओजोन का ये 3 फेशियल कॉम्बो, 3 फेशियल स्किन केयर कॉम्बो। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। सो यहाँ पे मेरे पास ये है इनका D10 फेस वॉश। देन आई हैव हेयर देयर D10 फेस पैक। देन आई हैव हेयर देयर D10 फेस पैक। सो बेसिकली अगर आप लोग पार्लर में जाके फेशियल नहीं करना चाहते तो इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, जिससे कि आप इजीली घर पर ही अपना फेशियल खुद से कर सकते हो। लाइक इतना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कि आप घर पर ये प्रोडक्ट बाय करो एंड देन यू कैन यूज़ दिस। आप मंथ में इसे ट्वाइस यूज़ कर सकते हो इजीली, और फेस वॉश तो आप डेली यूज़ कर ही सकते हो एंड स्क्रब आप लोगों को वीक में वंस या ट्वाइस करना होता है एंड फेस पैक भी ऑफकोर्स। आप चाहे तो इसको वीकली यूज़ करो, आप चाहे तो इसे मंथ में एक बार यूज़ करो, एज़ पर योर चॉइस। आप सिंगल सिंगल भी इसको बाय कर सकते हो। ये आपको क्लिनजर का भी काम करेगा, साथ में ये आपको रिमूव स्टैन और इम्पार्ट्स हेल्दी स्किन। आपके स्किन से इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा, प्लस हेल्दी स्किन को ये प्रमोट करता है। सो यहाँ पर इनकी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दी गई हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। इधर बैक ऑफ द पैकेजिंग में आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाती है। MRP इसकी है 225 रुपीज़। बैक ऑफ द पैकेजिंग में आपको मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी भी मिल जाती है। और ये जो फेस वॉश है गाइस, मतलब इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है। सेकंड स्टेप इज देयर D10 फेस स्क्रब। तो ये क्लेम करता है रिमूव डर्ट एंड टैन, एक्सफोलिएट्स, रिन्यू स्किन सेल्स। तो एज यू गाइस नो कि जो स्क्रब है उसका वर्क क्या होता है, स्क्रब जो है हमारी स्किन से जो है डेड स्किन को रिमूव करती है। सो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, लाइक इसमें है ग्लिसरिन है, एलोवेरा जूस है, इसमें वॉलनट है, शेल पाउडर है, मतलब सारे इसमें आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो चलते हैं फटाफट से इसकी एप्लीकेशन की तरफ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी इनका फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है जेल, इसका टेक्सचर है जेल काइंड, इसका टेक्सचर है, और इसे मैं अपने वेट फेस पर अप्लाई करूँगी और अच्छी तरीके से इसके जो है क्लींस करता है और फेस से जो है ये क्लींजर का काम करता है, प्लस आपके मेकअप को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को भी रिमूव करता है। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ इनका D10 स्क्रब। सो स्क्रब जो होता है गाइस, हमें वीकली ट्वाइस यूज़ करना होता है या फिर वंस। आप इसे सर्कुलर मोशन में यूज़ कर सकते हो। ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, डेड स्किन को ये रिमूव करता है एंड इसे मैं फेस को जो है स्क्रब कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ उनका लास्ट स्टेप विच इज़ फेस पैक, एंड इसे मैं अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लूँगी अपने ऑल ओवर फेस पर। ये आपके स्किन को जो है हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को प्लम्पी बनाता है, और इसे मैं 10 to 15 मिनट्स तक रख कर अपने फेस को वॉश कर लूँगी।
एंड विद इन अ मिनट आप लोग ग्लो देख सकते हो, स्किन बहुत हाइड्रेटेड लगती है इसे अप्लाई करने के बाद. सो गाइज, दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट्स. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. मुझे तो ये पर्सनली ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे. आपको कैसे लगे प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए. सो गाइज, अगर आप भी इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं, इनके प्रोडक्ट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना. वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड डू फॉलो मी ऑन माई Instagram as well. My Instagram handle is be with Archie. Make sure you follow me on there also. So tab tak ke liye main milti hu apni next video mein. Tab tak ke liye stay home, stay safe, bye.